तीन साल का उन्हों का जिस वक्त साडा जोड़ा दुश्मनी बैर जोड़ा ना ज़्यादा रूल तो हो गया ग्रुप निकल जाते पार्टियाँ क्योंकि मैं डकैत चोर बंदे जो पसंद नहीं करता कोशिश मेरी होंगी कि मेरे तरफों किसी का दिल ना दुखे साढ़े अपने जोड़े जाति कतल ने इस बैर के दो मेरे भाई गए हैं फुफी का पुत्र गया दो उन्होंने दोस्त गए ने वैसे दस दर्जना साहब तो इन्हें भतीजा मेरा गया है तीन ही चीज़ा ने जार जान जमीन इन्होंने चीज़ों की भंडी होंगी गैर तो बद लड़ गया इज्जत बद लड़ गया तो वो इज्जत तो फिर रही नहीं है जल्द बंदा दर बदार आप हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान बट। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इस शख्स ने पहाड़ों के साथ जो है पहाड़ों में रहकर जो है पूरी दुनिया के साथ मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में जितने इंसान हैं उनके साथ इस शख्स ने वैर किया है। उनके साथ जितनी उनकी बंदूकें चली हैं बकौल इनके, इन्होंने उनसे दो गुना ज़्यादा बंदूकें चलाई हैं। लेकिन आज मैं शख्स आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने जिनको कभी डर ना लगा, लेकिन वो कौन सा वक़्त है जब उनका दिल थक थक किया है। इतना आसान भी इतना भी अल्लाह ताला ने किसी को जिगरा दिया होगा जो बंदूकों से ना डरे लेकिन बेटी की आवाज़ जब उसको पुकारे कि बाबा घर आ जाए तो उस बने का दिल मुलायम हो जाए। आइए आज आपको लिए चलते हैं नन्ना फन्ना ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा जो हैं जनाब अमीम अख्तर गुज्जर साहब की जानिब। उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, कहाँ से उन्होंने ये कठिन सफ़र शुरू किया, इख्तिताम कैसे हुआ और ये सफ़र कैसा था। बड़ा एक मुश्किल जहा वक्त सी दिन भी वह मेरे ते की एक साड़ी पूरी नस्ल थी वो बहुत बड़ा एक किसानिया सी जड़ा होया उस दिन मेरे भाई कतल हुए सन अजीम उर फना नदीम उर मुन्ना वो कतल हुए सन उस दिन पहले दिन मैं जड़ा ना बंदूक फड़ी थी उस तो पहले बंदूक जड़ी ना उस तो मन डर लगता सी जब मैं जिस कमरे बंदूक या जिथे बंदूक वाले बंदे होंगे सन मैं उधर नहीं से आता। भाइयों को कत्ल किया गया आपकी उम्र कितनी उस वक्त मेरी 12 साल उम्र। आप पढ़ते थे? जी नहीं मैं पढ़ता नहीं था वैर दे विच मैं पढ़ सके ही नहीं क्योंकि खतरा मुहालफा का भी पुलिस के सिस्टम का भी इस तरह का हिसाब थी कि मकान हर महीने दूजे महीने तीजे महीने बदलना पैंदा सी एक शहर तो दूजे शहर तीजे शहर इस तरह करके मतलब साढ़े तो वक्त जिस बड़ा औखा जहा वक्त से तो मैं पढ़ाई वो मैं नहीं कर सकिया क्योंकि एक जगह तो बंदा पक्का रवे तो फिर वो तो किसी को मैंने छड़ते नहीं सन इतबारी बंदा नहीं सी उस वक्त पहले दिन एक आम बंदूक सी घर के पई तो बाकी तो बंदूक गन्ना जिन्या इन्ना सारिया भाइयों को सन ज उन्होंने जो दोस्त ने उन्होंने को सन एक आम 12 बोर जगह बंदूक होंगी इस तरह की बंदूक सी पई मैं फिर वो चला का मनु नहीं पता पर मैं लैके तो भज पिया था जिस साइड से फायरिंग हो रही थी उस साइड से मैं गया उस वक्त मुखालफिन जोड़े ने साडे कामयाब हो गए सन उन्होंने अपना जो करना से कर लिया तो उत्थे जल्द मैं गया तो बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए सन पुलिस भी उत्थे आ गई थी तो मेरे को ना बंदे बंदूक खोते सन तो मेरे हाथ बन गए सन तो मैं बंदूक नहीं छड़ता बच्चा सा मेरे को खो खा के उन्होंने बंदूक मेरे को ले ली पहली बारी तो मैं वो फड़ी सी उस तो बाद फिर अपने असं उस मसले च बढ़ गए फिर तकरीबन 13 साल की उम्र जिन्ना जल्द कुछ साल लंघ गया तो उस वक्त तो फिर मैं बंदूक कई बंदूक फिर फड़िया कई चलाइया फिर जाचा सीखिया फिर जोड़े भाइयों के दोस्त ने उन्होंने को पूछा यह किस तरह चला भी दी है मतलब इन फड़ी दा किस तरह रखी दा किस तरह फिर कि बंदूक आईया कि बिल्कुल जी क्या वजह बनी कैसे आपने पकड़ ली बस वो फिर जरा ना इस तरह इसे जमाने नहीं फड़ाई जब भाइयों को आपने छलनी होते हुए देखा जी क्या मंजर था उस वक्त बस वो तो हूँ मैं जानना जा मेरा रब जानता है कहते ना जिस तरह लगती वही जानता है वो तो फिर मैं जानना जा मेरा रब जानता है आपका खानदान इस दुश्मनी की दलदल में जी कब मैं छोटा सा उस वक्त मेरी उम्र 10 दिन 3 साल मेरी खैर पैदाइश तो पहले तो ये टसल मदल बड़ी थी मगर मैं 3 साल का हुआ था जिस वक्त साडा जोड़ा दुश्मनी बैर जोड़ा ना ज़्यादा रूल तो हो गया
उस वक्त बंदे कोई नुकसान हो गए सा मतलब दूजी पार्टी के भी साढ़े भी यार दोस्त भी जोड़े नाल मैती मदादी होंगे ने वो भी लगते ही होंगे ने अपने भरा ही होंगे ना तो उस वक्त बड़े रूह तो काम टुट गए इसे वजह मैं फिर तलीम नहीं हासिल कर सकता कभी दिल में आया कि यार मैं भी पढ़ूं वो तो हूँ भी मेरे दिल चाहता है हूँ भी दिल चाहता कि मैं पढ़ा तलीम हासिल करा मगर मैं इस जमाने ने बड़ा सिखाया है मैं 16-17 साल समझो परदेस तक ये खाँदा रहा उस तो बाद उषमा चाह के तकरीबन 16.5 साल की उम्र च मैं यूरोप च निकल गया 16-16 साल की उम्र तो बस मैं उस दुनिया ने पढ़ा छड़िया फिर तो इस मुखालफी जी मुखालफत साड़ी या जिहड़ा मतलब वैर है जां इहदे विच जिहड़े दुख तकलीफा ने जां इह जमाने ने मैं उंज ही पढ़ा पढ़ू छड़िया तो उस तलीम तो मैं यतीम ही रहा कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया हो जी खुद को तरह तरह महसूस किया हो बड़ी वेरी जी बड़े बड़े दिन जंगल च कला रहा तनाई च रहा कई बार इस तरह भी होया मतलब है दिल घबरिया है तो अपने भरावां दियां अपने नानी नाने दादी दादे दी कबरां ते टुर गया कब्रस्तान च जाके उन्हां दी कबरां च लम्मा पै रहा पूरी पूरी रात सरगी उत्थों उठिया उठ के फिर जंगल च साडे नाल ही रख सरकार पब्बी जा मैं कहना मां तों बाद मैनूं पब्बी सांभिया जा तो फिर आके उत्थे तनाई च लम्मा पै रहना कि मेरी ग्रुप निकल जाते पार्टियां क्योंकि मैं डकैत चोर बंदे जिहड़े ने पसंद नहीं करता शुरू से मेरी आदत है और मेरा जिंदगी का रिकॉर्ड है कि 25-26 साल मैं नसया भजया रहा परचे भी मेरे हर किस्म दे रहे ने मगर मेरे तो डकैती चोरी का परचा नहीं होया तो जिदे क्योंकि मैं डकैत चोर पसंद नहीं करता अपने नार रखण ते त्यात करता सा अपनी कि मेरे नाल कोई ऐसा बंदा ना हो जिहड़ा कोई इस तरह का गलत बंदा है जी अच्छा मीर साहब अक्सर यही सुना जाता है कि जब लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं जी तो वो पैसे देकर बंदे हायर कर लेते हैं जी हाँ जी आपने भी बंदे हायर किए या अपना सारा वैर खुद किया खुद किया है मैं जिथे भी कुछ किया थोड़ा किया जब बड़ा किया सब तो पहला मैं अपनी बंदूक चलाई है और मैं बड़े अच्छे अच्छे मेरे दोस्त भी होए ने कुछ मौजूद ने कोई नहीं हैं जिन्होंने बड़ी बारी आख्या यार चौधरी तू ना जा मैं सान गुजर कहें सान गुजर साहब तुम ना जाओ असं आपू जाने असं अंज कर आवे मैं कहने यार मैं कद किसी के मोढ़े रख चले मैं आपू जा सारे काम की मैं जो भी कराँगा मैं खुद आपू ही कराँगा अपने हाथों ना करा तो बंदे की सोच होर होंगी है निजामे कुदरत भी है ना साडे इरादे साड़िया सोचा या जो कोई असं सोचने कि असी कल इस मुल्क का बादशाह होना चाहिए सानू मगर अल्लाह तला की जात बादशाह है वो जिसन चाहे उन्होंने बना दी तो बंदा सोचता तो है कि मैं हूँ चलना और मैं फलाने बंदे मार के आवना जो ये कर आना जो वो नहीं भी बंदे मरते क्योंकि मारन बचावना डर है साढ़े तो भी इस तरह ही मतलब है बंद ने कोशिशा की बड़ी बारी मारना चाहे ने कई बारी मतलब घूमतों के घेरिया भी आए हैं बंद शरीकों के घेरिया भी आए हैं थड़े भी लगे हुए हैं जिन्हों नाकाबंदी कहते हैं कि फलाने बंदे फलाने रास्ते गुजरने मारना बस वो नहीं उन्होंने समझ रही असं लंघे भी उतो ही हाँ कि बारी साढ़े को इस तरह कई बार हो सा मुखालफ जोड़े ने लंघ ने सू पता लगे कि साढ़े को लंघ ने अच्छा ये मैंने अक्सर ये सुना है ये बात जी हाँ कि कोई बंदा अगर किसी का थड़ा लगा के बैठा हो जी हाँ तो बड़ा मुश्किल होता है जी अगला बंदा तो तैयार बैठा होता है बिल्कुल तैयार बैठा पूरी प्लानिंग के साथ जी प्लानिंग आप कई दफा आप बता रहे हैं कि आप पे कई दफा ऐसा हुआ है जी हुआ ऐसा कौन सा अमल था आपका जो आप समझते हैं अभी तक कि वो जो उन मुश्किलों से घिरे हुए थे आप वो अमल जो है आपको मुश्किलों से निकालना है मैं ये समझना कि जिदे विच ना मैं कोशिश मेरी होंगी कि मेरे तरफों किसी का दिल ना दुखे मैं कोशिश मेरी ये भी रहती थी कि मेरे मुखालफ जिहड़े ने ना जिहड़ा एक मुखालफ है ना एक है ना जिहदे मन दुख है वह तो चलो मेरे तो अगे ही दुखे है तो मैं वो दुखे हाँ तो वह प्या भी दिल दुखे तो मैं कोई मसला नहीं जिहड़े उहदे घर दे ने बकाया वह भी मेरे भैन भरा ने उन्हें मेरा कोई नहीं नुकसान किया या जिहड़े बच्चे बाद च पैदा होए ने उन्हें मेरा कोई नुकसान नहीं किया तो मैं उन्होंने कोई इस तरह नहीं थी करना चाहिए मैं बल्कि दुश्मनों वास्ते भी मैं भला सोचा बड़ी बारी जी कभी ऐसा भी हो टाकरा हो गया हो बस टाकरे तो फिर छोटे मोटे झड़पा तो फिर इस तरह होता कभी ऐसा भी होता है जी जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैंने दुश्मनों की भी खैर मांगी जी कभी ऐसा भी हो कि टाकरा हो गया हो और दिल का नहीं यार वो इस तरह ही दिल कहता ना जिसल गुस्सा लगता है बंदे सोच आँदी है कि मेरा एडा वड्डा नुकसान होया है मैनू चाहिए ने ग्रनेड मारने मैं ग्रनेड मारा मैं लांचर चला दिया मैं बरूद ला के इन्हों के घर सारे पास तबाह कर दाँ
मैं रात के नेरे च जा तुंदा पैंदियां ने पिया सर्दियां दिन ने मैं जाके आडी पति बरूद लावां बरूद ला के मैं सारे घर नूं तबाह करावां। फिर दिल च ख्याल आया कि यार वो एक मरेदा दूजे जिहड़े नूं बेगुनाह मर जाण दे ते अल्लाह ताला मैनूं माफ़ ना करेगा तो मैं ये नहीं करना। जदों फिर किरे मौका मिला कभी मौके पैसा हुआ बड़ी वारी होया बड़ी वारी तैयारी करके गया फिर हट गया। गुस्सा लगे कई मेरी सोच आई है कि मैं हूँ आपू तो बचना नहीं मैं तो मरना ही मरना तो क्यों ना कि मैं तबाही कर दिया। तो वो फिर इस तरह करके कई बार सोचा कई बार मैं ना इस तरह इरादा किया भी ये दो तीन दिन सलाह भी करते रहे बी इंज कर दीए तो मगर है भाई कोई अल्लाह ताला की तरफ ही दिल च कोई ऐसा आया कि नहीं यार वो आंढ़ी गुआढ़ी भी नाल मारे जाण दे कोई उत्थे जिहड़े साडियां कुत्तियां भैन ने वो बेगुनाह ने वो मारी जाण दी एक बंदा मारन वास्ते असीं इतने बंदे दाया करांगे। आपका ये जो वैर था जी इसमें टोटल आपके भी आपके मुखालिफिन के भी जी कितनी जानों का ज़ाया हुआ? जाना थे भी दर्जन साहब से ज़ाया हुई ने ते वैसे साढ़े अपने जोड़े जाति कतल ने इस वैर के दो मेरे भाई गए ने फुफी का पुत्र गया दो उन्होंने दोस्त गए ने वैसे दस दर्जन साहब तो इन्हें भतीजा मेरा गया है इस तरह करके ज़ाया तो जाना तो बड़िया नुकसान हुई ने ये तकरीबन कई बार कहते ना साढ़िया की लड़ाई में फसल गरीबों की उजड़ती है और भी साढ़े को ऐसे अच्छे मुखलो दोस्त साढ़े भी साढ़े मुखालफा के भी तलक वाले कई बंद इस तरह जाए ने बड़े बंद जाए हुए जी हो जाए इतनी जानों का ज़िया जी वजह क्या बनी थी आपके वैर की वजह इज्जत ना तो ही बंदा तीन ही चीज़ा ने जार जान जमीर जमीन इन्ह चीज़ों की भंडी होंगी है तो यह तो दूजे नंबर से कोई उंज भी कोई बंद ना इस तरह की आकड़ जी आ जाती है कि यार इस बंद ने मेरे ना गल की तो क्यों की मैं इन इंज करा वो बस वो अड़ फस जिकन कहें बन जाती है तो उद्देश बंदा गांधा गां निकल जाता फिर उन्होंने यह नहीं समझ लगती कि हूँ मैं इसको मकाना किस तरह कर तो लगा बंदा कर तो लगा फिर उन्होंने यह नहीं समझ लगती कि हूँ मैं इसमें काम क्लीयर किकन करना है जो मकाना किस तरह तो यही कहता रहा कि बस मैं ठीक हाँ अगला गलत है वो इसे भी मारदा भी है तो मरदा भी है तो यही कहता रहा बस मैं जरा ना वो ठीक हाँ वो अगला गलत है अगला यह कहता है कि ये गलत है मैं ठीक हाँ बस वो आप एक दूजे को ज्यों ज्यों दूर दूर रह के भी एक दूजे के गले खवाइया एक दूजे के नाके बंदियां थड़े बाजिया मारन मरान फैरिया पुलिसों के रेट इस तरह के काम वो फिर बंदा होर कहता कि चलो जो भी है मैं गलत भी हाँ तो मैं बस हूँ मेरी लड़ाई हाँ कई मेरी पिछे हटन का बंद समझ नहीं लगती कि मैं हूँ किस तरह इसको लड़ाई तो कर लीए मुका तो खुदाई बंदा मुका नहीं सकता। अज भी मैं कई बार कहना कहना कि बंदा लड़ाई झगड़ा शुरू करता है मगर वो मुका नहीं सकता। आपने बताया कि दर्जना मारे दर्जनों के हिसाब से दर्जना साहब जान से हाथ तो बैठे जी दर्जनों के हिसाब से हमारे मुखालफीन के जी इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नुकसान ही नुकसान है हासिल की हो सकता है कोई हासिल नहीं हुआ कुछ भी नहीं और मजीद नुकसान होया उजाड़े हुए ने मतलब जिन्होंने कहते इज्जत वास्ते बंदा लड़ता पिटदा किसी ना गैरत वाद लड़ गया इज्जत वाद लड़ गया तो वो इज्जत तो फिर रही नहीं है जल्ले बंदा दर बदार आपू हो जाता है मतलब गोलियां लियाओ जी बहुत फिर बड़े खर्चे होर वे ना वो मतलब फिर रिजक रहा को ना इज्जत रही को फायदा तो कोई भी नहीं होंगे।